मिठाईलाल, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है ना इस बार कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जितना हाथ रगड़ रहे हैं हाथ गर्म होने के बजाय उतना ठंडे होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये हाल है तो पता नहीं देहातों में क्या हाल होगा। देहात में जहाँ पूरी तरह से खुला है वातावरण, एकदम इतनी माने वनस्पति और पौधे, और तुम्हारा घर तो हम लोग जब जाते हैं तो एकदम तराई के क्षेत्र में और पीछे पूरे घने वन और जंगल हैं। तो हालांकि इस बार बनारस ने भी सारे रिकॉर्ड लगभग पिछले 50 वर्षों के टूट रहे हैं और तापमान 2 डिग्री से, कल की रात में 2 डिग्री से भी कम का था, कहीं आने वाले 1-2 दिनों में 0 ना पहुंच जाए। तो तुम ये बताओ, तुम कुछ बता रहे थे कि जैसे गांवों में इतनी जो सर्द रातें होती थी, अभी तो हम लोग के पास शहर में हीटर है और सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। गांवों में इतनी सर्द रातों में कैसे लोग रहते थे, कैसा जनजीवन होता था, जो तुम्हारी बचपन की यादें हैं उसके बारे में कुछ बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने सर, और मुझे लगता है कि गाँव की यादें तो अभी भी मन में है, और जब सर्दियों की बात आती है तो कुछ अलग ही याद आती है। मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जब स्कूल से आते थे तो हमारे घर के पीछे जंगल है, जो उस जंगल में हम लोग चले जाते थे पत्तियां लाने, पूरे गांव वाले जाते थे। बुजुर्ग लोग अक्सर ध्यान रखते थे कि बच्चे कहीं खो ना जाएं। और जैसे 3 या 4 बजता था तो एकदम धुंध, दिसंबर के महीने में चारों तरफ धुंध होता था, हम लोग रहस्यमय, एकदम लगता था कि आप अलग दुनिया में पहुँच गए हैं। तो फिर जब हम लोग जंगल से निकलते थे तो कुछ दातून तोड़ लिए, कुछ और भी जो सुबह का है दिनचर्या में यूज करने वाले पत्तियां, हम लोग एक बोरा टाइप का होता था उसमें हम लोग भर के लाते थे। तो दूर से जैसे जंगल से निकलते थे तो धुआं उठता हुआ दिखाई देता था, सभी गांव में एकदम सन्नाटा है, बस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन सब की आवाजें नहीं आती, नहीं आते थे, एकदम सन्नाटा था, सब लोग दुबक जाते थे। जैसे गर्मी की शामों में चिड़ियां की चहचहाट खूब सुनाई देती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सारी चीजें मतलब स्थिर हो जाती थी, ठहर जाती थी, लगता था कि सब कुछ बस रुक गया है। और जब घर पे पहुंचते थे तो हालांकि लकड़ियां भी होती थी, पत्तियां भी होती थी, तो जल जाता था, एक बड़ा सा कमरा होता था, और भी पहले जो खपड़ेल वाले घर होते थे तो उसमें जल जाता था, तो सब लोग बस बैठ करके एक ही कमरे में रहते थे। और इतना बड़ा कमरा होता था कभी कभी कि उसमें आपके जो जानवर हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, वो भी एक कोने में बैठे हैं और आप दूसरी तरफ हैं, आग जल रहा है, और आग में आप आलू हो गया या कुछ और मटर हो गया उसको आप भून रहे हैं, और बच्चे अपना मस्त रहते थे, खा रहे होते थे, भून रहे होते थे। और सबसे अनोखी जो चीज़ होती थी वो ये होती थी कि बुजुर्ग लोग कहानियाँ सुनाते थे, एकदम जैसे लोक कथाएँ होती हैं, तो हम लोग एकदम कान खड़े किए हुए एकदम सुनते रहते थे। चारों तरफ का जो सन्नाटा और जो धुआं, एकदम मजेस्टियस, मतलब एक रहस्यमय संसार में जैसे हम लोग को कोई वातावरण एकदम जैसे आबो हवा कहते हैं कि वो पूरी बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम से चारों तरफ सन्नाटा। और 9 बजे तो एकदम लगता था कि बस हम लोग 2 बजे रात को पहुंच गए हैं, अभी जो होता है, और हम लोग के यहाँ गन्ना तो होता ही है इतना सारा, आप तो खुद देखें, तो गन्नों के खेतों में सियार आते थे सर, और इतनी ज़्यादा सियार आते थे, और जैसे जब सब लोग सो, मतलब लगता था कि सब लोग अब खा पी के अपने कमरों में चले गए हैं, तो तेज डरावनी आवाज़ में एक साथ 10 सियार 15 सियार एक साथ बोलते थे, और जो बच्चे थे मतलब हम लोग तो दुबक जाते थे कि कहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, कुछ सियार काट लेते हैं या उठा के ले चले जाते हैं, भेड़ियों की कहानियाँ उसी में लोग सुनाते थे कि भेड़िया आते हैं रात को और किसी बकरी के बच्चे को। माहौल में जब, क्योंकि उस समय कोई कंबाइंड टॉयलेट तो होता नहीं था कि टॉयलेट आपके घर के अंदर है, तो ऐसे में जब टॉयलेट वगैरह जाना होता होगा रात में, उसका क्या अनुभव होता होगा, तो मतलब मुझे सोच रहा हूं बाहर में कैसे कोई जाता होगा। मुझे तो लगता है कि वो फिर एक इतनी बड़ी मुसीबत होती थी कि जब तक अगर कुछ भी रात में ऐसी कोई समस्या आ गई तो बाहर अगर जाना पड़ा तो फिर घर के किसी व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति को, जो बुजुर्ग हैं या जो गार्जियन है, उनको बोलना पड़ता था। लेकिन ये था कि वो बड़े ही ध्यान से, मतलब वो थोड़ा भी आलस नहीं करते थे, वो लेकर के जाते थे बाहर, तो ऐसा कभी कभी जब होता था तो बहुत ही, और एक लेकिन मतलब इतना डर लगता था कि काश ये परिस्थितियां खत्म हो जाती, ना जाना पड़ता बाहर। खाने पीने में नॉर्मली ऐसे जो ठंड रातें होती थी उसमें खाने पीने, खाने पीने के लिए विशेष एक तरीके से तो मोटे अनाज लोग ज्यादा खाते थे,
जैसे अरहर की दाल बनती थी, मोटी रोटियां एकदम, जो आग के चूल्हा होता था, चूल्हे में मोटी मोटी रोटियां लोग डालते थे, और आलू के चोखा जैसे लगा दिया, आलू आलू को भून करके चोखा हो गया, दाल हो गई गरम गरम, और घी तो गांव में होता ही था भरपूर मात्रा में, घी होते थे और सर गुड़ होते थे, गुड़ खूब खाते थे एकदम, जो खेतों के गुड़ होते थे लोग बना लेते थे, गुड़ में गर्मी भी होती, गर्मी भी होती है, तो ये खाना लोग अक्सर खाते थे। और एकदम चूल्हा बड़ा सा होता था, उसमें आग जल रहा है, गोहरी है, मोटे मोटे लकड़ियां हैं, उसके किनारे भी आप चार छह लोग आराम से बैठ सकते थे। तुम वो बता रहे थे ना कि कुछ पीने की एक चीज होती थी जिसको क्या, हाँ हाँ, उसको हम लोग फतिका बोलते थे, अवधी भाषा में कहा जाता है फतिका, तो एक तरीके से काढ़ा कह सकते हैं, उसी का रूप होता था। उसमें दूध होती थी, हल्दी होती थी, हल्दी के साथ में उसमें अदरक भी होता था, और उसमें सोंठ जो आता है, तो सोंठ को एकदम खून करके और खूब पकाते थे। अच्छा। और अगर आप एक गिलास पी लें तो रात को आपको रजाई फेंकनी पड़ेगी। सोंठ, हाँ सोंठ था, दूध को उसमें जीरा, जीरे का डाढ़ा दे करके घी में, फिर दूध को छोंक देते थे, और उसमें क्या होता था कि वो एक पेस्ट बना लेते थे जिसमें हल्दी होती थी। गांव में तो वो ये पेस्ट हल्दी आती नहीं थी, वो खेतों की हल्दी होती थी, कच्ची हल्दी होती थी, तो कच्ची हल्दी बहुत गर्म होती है, और उसके साथ में ये होता था, अदरक होता था और सोंठ होता था, उसको तो काढ़ा जैसा, उसका पेस्ट, हाँ, तो उसका पेस्ट बना करके जब जीरे के डाढ़ा आप दे दिए, उसके बाद में उसको आप भून रहे मसाले की तरह, उसके बाद में आप दूध डाल देते थे, और गुड़ गुड़ भी उसी में मिल जाता था। तो ये जब आप पीते थे तो एक गिलास पी लेते और सबको पिलाया जाता था, फतिका बच्चों को तो बहुत ही खराब लगता था, लेकिन पीना पड़ता था, चाहे आपको आधा गिलास ही पीना पड़े। अच्छा, देखिए प्रकृति के भी अद्भुत चमत्कार हैं कि बिल्कुल इतनी ठंड है लेकिन खाने की वो चीजें होती हैं जिसमें की गर्मी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी वक्त आती है, इसी वक्त, और सबके खेतों में होता था सर, सबके मतलब अलग नहीं जाना है आपको, बस खेतों में होते थे। खेतों में धनिया तैयार होता था, लहसुन इस समय तैयार होता था, आलू तैयार होता था, टमाटर, गोभी, तो जो चोखा बना लिया, चोखा बना लिया, और वो जो टेस्ट होता था वो तो आजकल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कपड़े क्या पहनते थे लोग उस वक्त? कपड़े अमूमन उस समय हाथ से स्वेटर बुने जाते थे, गाँव हाथ के स्वेटर होते थे, और हमारे यहाँ नेपाल से लोग उधर पैदल ही आते थे नेपाल से, तो वो बेचते थे, वो शॉल बेच रहे हैं, तो एक मजा आता था कि एक तो विदेशी लोगों को देखने का मौका मिलता था, तो उनको अगर किसी को नहीं भी खरीदना है तो वो लोग उनको बैठा लेते थे, और उनको भी चाय या पानी पिलाना इस तरह का करना। तो लोग कंबल ही ओढ़े घूमते रहते, हाँ कंबल ओढ़ते थे, और बुजुर्ग लोग तो एकदम उनका कंबल ही होता था, एक मोटा सा उनकी पहचान होती थी, वो कंबल ओढ़ करके और आग के किनारे वो बैठ जाते थे 6 बजे, और वो और वो अपनी कहानियां सुनाते थे कि मतलब पहले क्या होता था, कैसे वो यात्राएं रात को करते थे, और वो ये भी कहानियां सुनाते थे कि पहले तो कुछ ये मशीन था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि वो लोग कुएं से पानी निकालते थे, कुएं से रात भर वो लोग पानी निकालते रहते थे, जिसको रहट बोलते हैं, या हाथ से भी खींचते थे, तो उससे वो लोग गेहूं की सिंचाई करते थे, अरहर भी इस समय, और पहले बोलते थे कि रात को डाकू चोर बहुत आते थे गाँव में, क्योंकि दूर दूर गाँव थे, तो एकदम सन्नाटे भरे रातों में अरहर के खेत होते थे, उसमें से खन खन की आवाज़ या कुछ चिल्लाहट की आवाज़ जब आती थी दूसरे गांव से, तब सब लोग भाग करके जाते थे। कई बार तो सभी लोग, ऐसी भी कहानियां हैं कि कई बार लोग जानवर के नीचे छिप जाते थे। एक कहानी है कि मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिनके पास बहुत सोना था, तो वो ऐसा हुआ कि जब चोर आए तो उनकी एक भैंस थी, छोटी सी थी, भैंस का बच्चा ही कह सकते हैं आप, उसके नीचे वो बैठी रही, और चोर आए उनको ढूंढते रहे पूरे घर में, और ये भी था कि वो एक या दो भैंस सट के खड़ी हो गई, उन्होंने वो हिली भी अच्छा, नहीं, भैंसों ने बचा ली, हाँ भैंसों को भी एहसास हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पूंछ तक नहीं हिलाई, वो चुपचाप खड़ी रही, वो तो हो सकता था कि लात भी मार सकती थी, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव होती थी। एक बार एक कहानी है कि एक सांप आ गया रात को, तो एक गाय थी, वो चिल्लाने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी, तेज आवाज में, तब सब लोगों ने भगाया। तो एक इंसान और प्रकृति और जानवर का जो आपसी संबंध होता था, वो इतना ठंडियों में तो इतना गूढ़ हो जाता था कि एक साथ सब लोग सोते थे, एक साथ उठते थे, और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ऐसा नहीं कि बस इंसान जानवरों का खेल। कुछ खाना में उनका जैसे, हाँ, आग तो जला दी गई मान लीजिए अंदर उसमें रहे, लेकिन उनको खाने में उनको मोटे अनाज दिए जाते थे, क्योंकि गाँव में चने काफी होते थे और अरहर होते थे, तो उनको वो लोग खुद जो होता था चकिया जिनको हम लोग कहते, तो उसमें वो लोग उसमें कर लेते थे, दर लेते थे,
तो मोटे अनाज हो जाते थे, तो उनको उबाल करके उनको सुबह जैसे दे देना है 1-2 किलो, शाम को और दे ठंडी देना लग है। जाती थी अगर जानवरों को तो क्या हाँ, तो करते थे? ठंडी लगती थी तो फिर वो लोग के पास में कुछ देसी दवा होता था, जैसे कुछ वो लोग ले आते थे रोटी, उसका मोटा सा बना करके कुछ लोग बता देते थे कि आपको रोटी में कुछ मिला करके और उनको रोटी के साथ में खिला देना है, तो स्वस्थ हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी, तो बहुत ही सुंदर यादें हैं। अब भी हम लोग जब जंगल में जाते हैं तो उधर से जब गुजरते हैं तो वो सारे पेड़ बुलाते हैं जैसे लगता है, और मैं हम तो लोग जाने में तो कभी नहीं जाना हुआ बलरामपुर, जब भी गए हम लोग हमेशा बिल्कुल गर्मियों में गए। एकदम भर्ती गर्मी में गए, मई जी जून वाली तपित गर्मी में। लेकिन इस बार एक बार जरा मन है कि जाड़े में सर, जाकर के बिल्कुल देखें कि उस एक अलग ही दुनिया होती है अलग सर। दुनिया होती और है। जंगल से जब हाँ हम लोग निकलते थे तो दोनों तरफ एक जो बेर होते हैं कांटे वाले, जो कपड़ों को खींच लेते हैं, तो हम लोग कई बार जब अपनी पत्तियों का गट्ठर रख करके उसको खूब तोड़ते थे तो बड़ा ही मजा आता था। वो उसमें कुछ होता नहीं था, खट्टा खट्टा लगता था, लेकिन वो उसकी जो यादें होती थी वो बड़ी ही मजेदार होती थी। और बच्चे और क्या पहनते थे जाड़ों में? बच्चे घर के ही नॉर्मल जो होते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ विशेष कपड़े उनके लिए नहीं होते थे। पर हाथ टोपी से बुना टोपी हुआ हाँ कपड़ा? हाँ टोपी होता होती थी, स्वेटर होते थे मेरे को और लगता है कि गांव हाँ में इतनी ठंडी पड़ने के बाद भी जो हाँ लोग बर्दाश्त कर लेते थे, उसके बर्दाश्त होते। पीछे एक कारण ये भी था कि खाना पीना वो लोग बस बस बहुत बस ध्यान रखते थे, मेन खाना पीना होता काम इतना था, करते रहते काम होंगे करते लगातार कि थे शरीर में ऊर्जा अपने आप और आती उनको कभी होगी। महसूस नहीं होता था बहुत ज्यादा कि अच्छा हाँ, ठंडी है तो बैठे क्योंकि रहना, लगातार काम कर रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं, दौड़ और भाग रहे घर के हैं अंदर बिल्कुल। रात में एक साथ, एक जो मेरे ख्याल से संयुक्त परिवार भी काफी तो एक बड़ा। संवेदनाएं भी मुझे लगता है कि एक दूसरे की जो हाँ जो संवेदनाएं, जो पास रहने की स्थिति होती है, उससे भी बहुत सारी ठंड ठंड भाग अपने आप जाती कम हो थी जाती है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाते थे। इन्वॉल्व हो जाते थे। क्योंकि हमको भी याद है हाँ बचपन में जब हाँ हम लोग जैसे नानी जी के घर में जब खाना वाना खाते थे अपने, जी तो आंगन वाला घर था और भर्ती हाँ एकदम गजब का कड़ाई की जब ठंड पड़ती थी, बाहर कोहरा एकदम सफेद हाँ पूरा। हाँ अच्छा तब लाइट जाती थी तो कोई इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था, लाइट गई बिल्कुल तो एकदम अंधकार, और जाड़ों में भी अंधकार लाइटें जाती थी, खूब जाती थी पहले बिल्कुल लाइटें। तो बस वो घर के अंदर, वो कमरे के अंदर एक चूल्हा रहता था चौके के अंदर, तो चूल्हे के बगल में ही सब खाना खाते थे, वहीं बैठे रहते थे, और जब तक नींद नहीं आती थी सब लोग उस चौके के अंदर ही बैठे बैठे रहते रहते थे, थे वहीं बातचीत होती रहती थी, वहीं सारा परिवार अंदर घुस जाता था। और हम लोगों को, बच्चों को भी बड़ा मजा आता था, कोई चौके के एक कोने में हम लोग भी दुबक करके ऐसे बैठे बैठे रहते थे। हम लोग को बड़ा, जैसे रहते कहते हैं ना कि एक कोजी फीलिंग, सुकून सुकून, एक और जैसे एक डर नहीं सुरक्षा, लगता था। हाँ कि हम हाँ कि लोगों के बीच में हम हम लोगों बैठे के हैं, कुछ बीच होने में वाला है, हम लोगों को कुछ नहीं नहीं होने वाला है। तो ये सब जो यादें जी हैं, मैं ख्याल से वही बात है कि ठंड से लड़ने के प्राकृतिक उपाय ही इतने सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हम शहरों खो की जो चुके, हम तो आर्टिफिशियल खो जिंदगी चुके हैं है बिल्कुल बिल्कुल वो खो चुके हैं, एक और तब हम खूबसूरती लोगों को हजार तरह की, अब और फिर भी कपकपाते रहते हैं, कपकपाते अभी भी रहते देखिए हैं। घर के अंदर हाँ बैठे हैं और सब बैठे हैं, हाँ इतनी लेकिन हम ठंड लोगों लग को रही कितना है ठंड महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये सारी तो चीजें ये हैं। खूबसूरती मुझे लग रहा है सर, और ये भारतीय भारत की ही खूबसूरती थी जो इतनी विविधता को लिए हुए थी। आज क्या है कि एक रास्ता होती जा रही है, हम अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम खो चुके, खो खान चुके पान हैं। रहन सहन संस्कार भी इससे कितने पड़ते थे। जैसे हम लोग होते थे क्या करते थे कि पैर अगर आग में लग गया तो बूढ़े तुरंत डांटते थे, ये क्या कर रहे हो, पैर से आग नहीं अग्नि, छूते, अग्नि माता है, तो ये डांट पड़ती थी। एक तो बाबा जी आए थे तो छड़ी लिए रहते थे, कोई भी अगर पैर में पैर लगाया आग में तो वो तुरंत मारते थे उससे अच्छा ऐसे। तो एक सही बात बुजुर्ग है, ऐसे आप और देखो तो अग्नि हाँ ही सब चीज की हाँ जननी सबकी है। जननी है। तो और कई बार सर ये भी होता था कि कई बार छप्पर के घर होते थे, पूरी ठंडी लोग जला के सो जाते थे, कभी आग नहीं लगती अच्छा थी। अब आप देखो तो कई लोगों को तो अब आग मतलब विभीषिका, आग हाँ मतलब गलत चीज, विभीषिका आग बिल्कुल मतलब जो कि आपको नुकसान पहुंचाती नुकसान है नुकसान। अभी आपको तो बताएं, ना। पहले तो गांव में मैं ये सुनता हूँ कि ये माचिस नहीं होते थे तो लोग एक एक हफ्ते महीनों तक तो वो आग जिंदा रखते थे, जिंदा रखते 24 घंटे थे। जिंदा रखते थे। तो एक जो मान्यता थी वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही गहराई में ले जाती थी। एक बाबा जी थे, वो दूर से लगभग 30 किलोमीटर दूर से कहानी सुनाने ठंडियों में आते थे, 1 सप्ताह तक रहते थे। कहानी सुनाने हाँ और वो तरह तरह की कहानियां सुनाते थे जिसमें बहुत ही मार्गदर्शन भी छुपा होता था, मार्गदर्शन छुपा हितोपदेश होता की है, क्योंकि कहानियां सुनाते थे। भाई हाँ जाड़े में दिन तो कितने छोटे होते हैं, हाँ बिल्कुल 4:30-5 बजे अंधकार हो गया, अंधकार हो सुबह गया 7 बजे रोशनी होनी है, बिल्कुल तो 14 घंटा आप सो के तो गुजारोगे नहीं। गुजारेगी नहीं। हाँ तो जाड़े में मेरे को लगता है ना कि ये सब जो बातें हैं, बिल्कुल परिवार के एक साथ बैठना, बैठना आपस में दोस्ती मिलना होना, हाँ मिलना जुलना, हाँ एक उस प्रकार में हाँ जब साथ बैठोगे तो एक प्यार अगाढ़ प्यार होना, इस तरह की ये मैंने कहानियां। ये ठंडियों में महसूस किया। और मुझे लगता था सर कि जैसे
जितने भी रिश्तेदार होते थे उनमें हर व्यक्ति की क्या खासियत है, कितनी यादें जुड़ी हैं, कभी वो आए थे तो क्या हुआ था, कैसे उनकी हाँ शादियों में लोग तीन तीन दिन रुकते थे, वो कैसे रुकते थे, कैसे उनकी खान पान, या बरातियों में लड़ाइयाँ कैसे होती थी। तो सारी चीज, ये तो अनंत है, सारी चीज ठंडियों में ही जानने को मिलती थी। तो ये यादें मुझे लग रहा है कि तो बहुत ही गहराई में ले चलती है। सर्दियों में चलते हैं तुम्हारे गांव में, एकदम एकदम चलिए। और वहाँ ऐसे ही एक कहानी वाले को बुलाते हैं, बिल्कुल, फिर सुनते हैं कमरे के अंदर बैठ के आग जला के सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी भी कुछ चीजें बची हैं जिसकी झलक तो मिल ही जाएगी, कि वो पुरानी चीजें जो बची है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बड़ा मजा आया मिठाई लाल, तो हम लोग हमको तो लग रहा है इस बातचीत से ही हम लोग का शरीर थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ी ठंडी चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया सर, बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी यादों को आपके साथ, तो हमेशा अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम लोग की बातों से जो भी सुनेंगे, जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी खूब आनंद आएगा, और कई लोग जो गांवों से रहे हुए होंगे वो लोग भी खूब अपनी यादों को ताजा करेंगे, ताजा करेंगे। और ठंडी में गांवों से दूर नहीं बल्कि गांवों के और नजदीक जाने का वक्त है, वक्त है। और हमें लगता है कि बच्चों को भी लेकर के ये गांवों की ठंडियां दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए यहाँ की कितनी विविधता होती है, क्या क्या होती है, क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। और फिर दिन में अगर खुली धूप आ जाए तो और आनंद, तब तो मतलब आपको बिना मांगे उपहार, अनमोल उपहार मिल जाता था। तो ठीक है मिठाई लाल, ओके, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, बाय बाय बाय।